अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बिहार के पूर्व मंत्री और RJD के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब सिवान पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, बिहार में एक बार फिर से राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जब ये खबरें आई कि जगदानंद बाबू बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ सच्चाई है सर, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं हम। मेरी जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि ये फेक न्यूज़ है और वो आज भी ऑफिस में बैठे हैं, और मुझको ये भी बताया गया कि उनके तरफ से औपचारिक रूप से इसका खंडन किया गया है, और शायद उन्होंने ये भी बताया है कि किसी ने सातिराना ऐसी साजिश की है। जी, मतलब कि जो ये बातें चल रही हैं बिल्कुल अफवाह है, कहीं इस्तीफे की कोई बात नहीं है। जो बातचीत हमारी हुई है पार्टी के सोर्सेस से, उसमें यही पता चला है। लेकिन सर, इसी के बीच एक और खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव उनका इस्तीफा का जो लेटर है वो लेकर के लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल गए हैं, जो पटना से खबरें जो निकल करके आ रही है, तो इसे सर क्या माना जाए? मुझको व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, और चूंकि मैं सफ़र में हूँ और सिवान आया हूँ, और एक तरह से प्योर फैमिलियर प्रोग्राम है, इस वजह से मैं एक तरह से अद्यतन नहीं हूँ। आज सर प्रभुनाथ सिंह के घर पर भी पहुँचे हुए थे, मुलाकात भी हुई थी, और क्या माना जाए इसको? नहीं, रास्ता वही है, कट सी विजिट था, और पार्टी के वे कद्दावर नेता हैं और वो हैं अभी वहाँ, तो चूंकि उनके घर के बगल से गुजर रहे थे तो स्वाभाविक था कटसी के नाते कि अब उनके यहाँ जाना, और उनके यहाँ गए थे इसी लिहाज से, सब लोग थे वहाँ, इसलिए कोई मतलब क्यास जो लगाते हैं लोग वैसी बातें नहीं हैं। मगर जब एक पार्टी का नेता सदस्य होता है तो एक तरह से पारिवारिक मेंबर होता है, तो उसी नाते से हम गए थे और हालचाल पूछा, कुशल क्षेम लिया, उनकी हालत को देखा, और फिर वहाँ से हम जहाँ यहाँ हमें पहुँचना था डिस्टिनेशन पॉइंट पे, तो वहाँ से मैं रवाना हो गया। बिहार के सर जो राजनीतिक हालात इस वक्त है, आप तो सर पुराने लीडर हैं, क्या मान रहे हैं किस तरीके की राजनीति हो रही है और क्या कुछ हालात है? देखिए, ऐसा कि बिहार की हालत कैसी है, बिहार किस स्थिति से गुजर रहा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, प्रशासन का क्या बहुत ऐसा रोल है, तो यह मतलब मुझसे अच्छा जो है एक आम आदमी बताएगा कि साहब बिहार की स्थिति क्या है। और अगर हमारी सरकार होती तो इसको जो है लोग कहते हैं कि महाजंगल राज है, मगर इनका राम राज है, तो राम राज में बहुत सारी बातें जो है अच्छी लगती है लोगों को, चाहे लूट हो, खसोट हो, महंगाई हो, उत्पीड़न हो, भेदभाव हो, समझा कि नहीं, तो ये उन लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगता है अब भी, मगर दिल पे हाथ रख के अगर वो अकेले में बैठते होंगे तो जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में अब लोग कहने लगे हैं कि साहब वास्तविक स्थिति क्या है। अभी सर जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि सरकार बहुत जल्द हम लोग गिरा देंगे, हमारी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है वाकई तेजस्वी यादव सरकार गिराने में कामयाब हो पाएंगे? अब जो उनके वक्तव्य हैं उस पर हम क्या टिका टिप्पणी कर सकते हैं? सर RJD के लीडर हैं और तेजस्वी जी के साथ चलते हैं, वो लीडर हैं जी, नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी मैं विधायक भी नहीं हूँ, तो इस वजह से बहुत चीज़ों का अद्यतन स्थिति से मैं अवगत नहीं हूँ।
नंबर है, मगर एक यही कहा जा सकता है कि जो हालात है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि इब्तदाए इश्क़ खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए सर एक सवाल और कि शहाबुद्दीन साहब से आपका बहुत अच्छा खासा रिश्ता रहा है, काफ़ी आप खासम खास से उनके रहे हैं, अब तो वो नहीं रहे, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसको ऐसे ही कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी को नुकसान हुआ, सिवान के लोगों को नुकसान हुआ, बिहार के लोगों को नुकसान हुआ, और शहाबुद्दीन साहब के बारे में जो लोगों ने छवि बनाई थी उससे उलट उनकी छवि थी, चाहे स्पोर्ट्स हो या किसी तरह का तरक्की का सवाल हो। और हमसे जो है क्या संबंध था क्या नहीं था वो अब तो है नहीं, वो अब हम ही कुछ बताएंगे, मगर इतना ये ज़रूर है कि उनको अभी जाना नहीं था, मगर चले गए, और चले गए जिस हालत में वो हमने अपने पोस्ट में दिल से रमजान के महीने में सेहरी के बाद बहुत दिनों के बाद हमने वो लिखा था कि अगर सरकार पाक साफ थी तो बेहतर इलाज कराने में क्या दिक्कत थी, बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट करने में क्या दिक्कत थी। और फिर उनके जो हस्तलिखित उनका जो डायरी था वो परिवार को नहीं देना और उसको गायब कर देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सवालिया निशान है सरकार पे भी। और जो लोग आज जो है बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्या कहा जा सकता है, हम यही कह सकते हैं कि हमारे लिए और परिवार के लिए इससे बड़ा नुकसान दूसरा नहीं हो सकता। जेडीयू के कोटे से सर आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, लेकिन एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सर नाराज़गी भी उस खेमे में कई लोगों की देखी जा रही है, इसको सर क्या माना जाए? अब उसमें हम क्या कमेंट करेंगे, इतना ही कहेंगे कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। अंत में सर ओसामा साहब के लिए कुछ कहेंगे, हालांकि आप लोग तो आए हुए हैं व्यक्तिगत कार्य, मतलब अल्लाह उसको हिम्मत दे, ताकत दे, और अल्लाह उसकी तरक्की को आसान करे, यही दुआ है हम सबों की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो कि बिहार के पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, बिहार के कई मुद्दों पे बातचीत हुई, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के भी मामले पे बातचीत हुई। ऐसे में अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है, और जो जगदानंद बाबू के जो इस्तीफे की बात आ रही थी, इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि हमारी उनसे बात हुई है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पटना से जो खबरें आई है कि अभी तक उन्होंने कुछ खंडन नहीं किया है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान।